Assalamu alaikum 10th class, hope you all are fine. I am your English teacher Miss Rabia here. In this video, I am going to start Unit 5, Poem, The Rain. First of all, I will explain the poem. Then we will do words meanings, paraphrasing, comprehension questions and figure of speech of each stanza. Let's start. Pre-reading Do you enjoy rain? Why? Kya aapko Barish pasand hai? Agar hai, Yes, I enjoy rain because it is a great blessing of Allah and it is a message of hope. Next question Can you share three things about rain? Three good things about rain? Yes, the three good things about rain are hope, pleasure, and refreshment, or you can say enjoyment. Next question What may be the result of excessive rains? अगर बारिशें ज्यादा होंगी तो क्या होगा एक्सेसिव रेन में कॉज फ्लड विच ब्रिंग्स डिस्ट्रक्शन एवरीवेयर नाउ लेट स्टार्ट पॉइंट द रेन रेन का मतलब वैसे रेन का मतलब है बारिश लेकिन इसका हिडन मीनिंग होगा मनी रिसोर्सेज यहाँ पे जो रेन का वर्ड है वो एज अ मेटाफर यूज हुआ है और इसका मतलब है वर्ल्डली थिंग्स दुनियावी चीजें या फिर मनी या रिसोर्सेज आपसे इसके बारे में क्वेश्चन भी पूछा सकता पूछा जा सकता है कि ये रेन किसको सिम्बुलाइज कर रहा है तो किसको सिम्बुलाइज कर रहा है मनी को रिसोर्सेज को और वर्ल्डली थिंग्स को Students, the poem has been divided into two stanzas having six lines each. We will go through the meanings and also understand the hidden message of the poem. Let's start stanza one. I hear leaves drinking rain. I hear rich leaves on top, giving the poor beneath drop after drop. Tis a sweet noise to hear these green leaves drinking near. I hear leaves drinking rain. मैं पत्तों को बारिश का पानी पीते हुए सुनता हूँ स्टूडेंट्स यहाँ पे लीव्स का जो हिडन मीनिंग है वो पीपल होगा यहाँ पे लीव्स एज अ परसोनिफिकेशन यूज हुआ है और परसोनिफिकेशन क्या है ह्यूमन करेक्टरिस्टिक्स को नॉन ह्यूमन करेक्टरिस्टिक्स करार देना यानी कि ह्यूमन बींग करेक्टरिस्टिक्स जो है किसी नॉन ह्यूमन बींग या थिंग को दे देना फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स को या प्लांट्स को या ऑब्जेक्ट्स को रेन का मतलब मैंने पहले ही बता दिया था हिडन मीनिंग रेन का क्या है मनी है रिसोर्सेज है वर्ल्डली थिंग्स हैं और ड्रिंकिंग का यहाँ पे मतलब है कि टेकिंग आई हियर लीव ड्रिंकिंग रेन के मैं पत्तों को बारिश का पानी पीते हुए सुनता हूँ ठीक है नेचर के बारे में बजहिर तो हमें नेचर के बारे में लग रहा है कि नेचर के बारे में बात हो रही है रेन के बारे में बात हो रही है लीव्स की ट्रीज की सन की लेकिन इसके अंदर हिडन मीनिंग्स भी मौजूद हैं हम दोनों साइड दोनों को हम साथ साथ लेके जाएंगे आई हेयर रिच लीव्स ऑन टॉप ऑन टॉप यानी के चोटी के ऊपर जो मौजूद हैं, जो पत्ते दरख्त के सबसे ऊपर वाले हिस्से पे हैं, चोटी पे हैं। चूंकि वो सबसे ऊपर हैं, ट्री के टॉप पर हैं, इसलिए उनको रिच लीव्स कहा गया है कि मैं चोटी पर मौजूद पत्तों को सुनता हूँ स्टूडेंट्स यहाँ पे रिच लीव्स भी पर यूज हुआ है यहाँ पे रिच लीव्स का मतलब है रिच पीपल और इसका डायरेक्ट मीनिंग है कि वो पत्ते जो टॉप पर हैं गिविंग दुअर बीनीथ नीचे की तरफ मौजूद गरीब पत्तों को देते हैं पुअर का मतलब है नीचे वाले पत्ते जो दरख्त के नीचे वाली साइड पे पत्ते होते हैं और रिच लीव कौन से मैंने बताए थे जो ट्री के टॉप पे होते हैं ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप कतरा ब कतरा यानी कि कतरा कतरा करके इट्स मीन लिटल या वेरी लिटल बहुत थोड़ा फर्स्ट लाइन में देखें ड्रिंकिंग रेन का वर्ड इस्तेमाल हुआ है कि खुद तो वो पी रहे हैं जो टॉप पे हैं लेकिन जो पुअर हैं नीचे की तरफ हैं उनको कैसे पानी प्रोवाइड किया जा रहा है रेन का ड्रॉप बाय ड्रॉप स्वीट नॉइज टू हेयर स्वीट नॉइज मेलोडियस वॉइस यहाँ पे वर्ड स्वीट नॉइस एज अ ऑक्सीमरन यूज हुआ है ये फिगर ऑफ स्पीच है ओ एक्स वाई एम ओ आर ओ एन ऑक्सीमोरन एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें देखिए टू वर्ड्स हैं स्वीट नॉइज आप इसको फ्रेज भी कह सकते हैं व्हेन टू ऑपोजिट वर्ड्स हैव बीन पुट टुगेदर कि जब दो ऑपोजिट वर्ड्स इकट्ठे आ जाते हैं और एक अलग से मीनिंग देते हैं वैसे तो जब वो ऑपोजिट अलग अलग से हों तो उनका अलग से ऑपोजिट मीनिंग उनका जा रहा होता है लेकिन जब हम उनको कंबाइन करके मेंशन करते हैं तो उनका एक डिफरेंट मीनिंग आ रहा होता है जैसा कि स्वीट में देखें स्वीट का मतलब होता है मीठा और नॉइस क्या कभी मीठा हुआ मीठी चीज जो है वो अच्छी लगती है लेकिन नॉइस क्या आपको अच्छा लगता है बिल्कुल भी नहीं तो ये दोनों क्या है ऑपोजिट वर्ड्स हैं लेकिन यहाँ पे स्वीट नॉइज का मतलब है मेलोडियस वॉइस और ये यहाँ पे एज अ फिगर ऑफ स्पीच ऑक्सीमोरन यूज हुआ है ठीक है आप पोइट स्वीट नॉइस टू ही मेलोडियस वॉइस लग रही है बहुत ही सुरीली आवाज लग रही है किसकी आवाज ड्रॉप्स ड्रॉप्स की की रेन वॉइस जो कि लोअर लीव्स पे पुअर लीव्स पे ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है वो गिर रही है डीज ग्रीन लीव्स ड्रिंकिंग नियर ठीक है आंसर भी दे दिया साथ के ये जो सब्स पत्ते मेरे पास जो सब्स पत्ते हैं उन पे जो कतरा करके पानी गिर रहा है बारिश का उसकी जो आवाज है वो मुझे बहुत ही मधर लग रही है या सुरीली लग रही है स्टूडेंट्स पॉइंट ने इसमें एक फोर्थ फिगर ऑफ स्पीच भी यूज किया है इमेजरी इमेजरी के बारे में आपने पिछली क्लास में पढ़ा था इसमें ऑडिटरी और विजुअल दोनों इमेजरीज यूज की हैं। ऑडिटरी इमेजरी लाइक ड्रिंकिंग वाटर के पानी पीने की वॉइस स्वीट नॉइज जो ड्रॉप्स का नॉइज था उसको स्वीट नॉइज कहा ये ऑडिटरी इमेजरी यूज की ये इमेजरी भी है और ऑक्सीमरन भी है फिर विजुअल इमेज में आप देखें कि ग्रीन लीव्स जब ग्रीन लीव्स का वर्ड आप सुनते हैं तो आपके माइंड में फौरन से रिफ्रेशमेंट और वो इंजॉयमेंट और ग्रीन लीव्स की सिचुएशन जो है वो आ जाती है अब मैं इस टंसा को एक्सप्लेन करूंगी कि इसका हिडन मीनिंग क्या है वैसे तो आपने देख लिया कि बाहिर वो नेचर को डिस्क्राइब कर रहा है लेकिन आप इसके अंदर एक हिडन मीनिंग भी है उसको मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ फर्स्ट टेंजा में जो पोइट है वो टू uh, सोसाइटीज को सिम्बोलाइज कर रहा है ठीक है पुअर पीपल एंड रिच पीपल को सिम्बोलाइज कर रहा है जैसे कि आपने रिच लीव्स और पुअर लीव्स का वर्ड जो है आपने इधर पढ़ा जैसा कि हमने पढ़ा कि रिच लीव्स आर दोज हु गेट रेन डायरेक्टली क्योंकि वो टॉप पे लीव्स थे ठीक तो जैसे ही रेन होती है तो डायरेक्टली उनपे पड़ती है तो वो पानी जो है वो पी लेते हैं इंजॉय करते हैं उसको खुला पानी उनको मिलता है उसी तरह रेन को सिंबलाइज किया है मनी से तो जो मनी होती है रिसोर्सेज होते हैं या वर्ल्डली दुनिया की दुनियावी जो चीज़ें हैं वो भी अमीर लोगों तक आसानी पहुंच जाती हैं उनको सारी सहूलतें दुनिया की सारी चीज़ें जो है मुयसर होती हैं ठीक है ठीके? लेकिन इस चंसा में देखें पुअर लीव्स की बात हुई है कि जो पुअर लीव्स हैं उनको कैसे बारिश का पानी उनको उन तक कैसे पहुंचा ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप यानी कि वेरी लिटिल कतरा कतरा उसी तरह जो पुअर पीपल हैं गरीब लोगों तक दुनिया की चीजें या आशाइशें जो हैं वो बिल्कुल थोड़ी मकदार में पहुंचती है क्योंकि अमीर लोग अपने तक ही महदूद कर लेते हैं वो निचले तबके तब तक पहुंचने ही नहीं देते तो so हियर इन द फर्स्ट टेंोइट इज नॉट टीव ही अबाउट ह्यूम ही इज टॉकिंग अबाउट द डिजन बिटवीन द रिच एंड पुअर पीपल अकॉर्डिंग टू द पोइट रिच पीपल टेक अवे ऑल द मनी एंड रिसोर्सिस एंड गिव टू दुअर वेरी लिटल या फिर जो चीजें बच जाती हैं उनको जरूरत नहीं होती उनका दिल भर जाता है उन चीजों से वो वो गरीब लोगों को दे देते हैं और इस टेंजा में जो स्वीट नॉइज ऑक्सीमोरन जो यूज हुआ है ये इम्पोर्टेंट है इस पे क्वेश्चन आ सकता है पोइट यहाँ पे क्रिटिसाइज कर रहा है ये फ्रेज है जिसमें पोइट क्रिटिसाइज कर रहा है रिच पीपल को दैट दे आर टेकिंग अवे एवरी थिंग एंड गिविंग ऑलमोस्ट नथिंग टू दी पुअर पुअर पीपल सो इन द फर्स्ट फर्स्टर वी फाइंड दैट द पोईम इज अबाउट नेचर और लीवस बट एक्चुअली इट इज अबाउट रीड ऑफ द रिच एंड रीडी पीपल एंड ऑन द अदर हैंड हार्ड शेप ऑफ दुअर एंड देर इन एबिलिटी टू टेक एनी थिंग नहीं लड़ सकते हैं अपनी अपना हक लेने के लिए भी नाउ second stanza एंड when द सन कम्स आउट और सूरज तलु होने के बाद या जब सूरज तुलु होता है आफ्टर दिस रेन शेल स्टॉप और ये बारिश खत्म हो जाएगी रुक जाएगी अ वंडरस लाइट विल फिल वंडरस लाइट हैरान कर देने वाली रोशनी और हैरान कर देने वाली रोशनी फिर भर देगी ईच डार्क राउंड ड्रॉप हर गोल कतरे की रोशनी को आई होप दनशाइन ब्राइट मुझे उम्मीद है कि सूरज पूरी आबोताब से चमकेगा यानी कि फुल रोशनी उसकी होगी और इक्वल होगी इट विल बी अ लवली साइट और ये कितना खूबसूरत मंजर होगा स्टूडेंट्स हियर लाइट इज अ मैटर इट्स मीन लाइट ऑफ गॉड शाइन्स ब्राइट जो है वो इमेजरी है विजुअल इमेजरी और इसकी बिल्कुल फर्स्ट लाइन में सन का जो वर्ड यूज हुआ है दैट एंड जॉय होप एंड जॉय ये इनकलाब की भी इलामत है कि इनकलाब जब आएगा तब्दीली जब आएगी तो क्या होगा स्टूडेंट्स ये जो सेकेंड स्टेंजा है ये बिल्कुल फर्स्ट स्टेंजा के ऑपोजिट है बिकॉज दिस होप इसमें पोइट उम्मीद करता है कि जब बारिश खत्म हो जाएगी और सूरज निकलेगा तो सूरज की रोशनी सब तक इक्वली आएगी रेन तो टॉप लीव्स तक ज्यादा पहुंच रही थी ना और लोअर लीव्स तक बहुत कम पहुंच रही थी लेकिन अब देखिए इसके बिल्कुल ऑपोजिट सन पहले ऊपर रेन की बात हुई अब नीचे सन की बात हुई और सन को सिंबलाइज कर दिया होप के साथ कि जब दिन निकलेगा सूरज निकलेगा तो सूरज की रोशनी सब तक इक्वली पड़ेगी वन डे दौटेन देयर विल बी नो रेन देयर विल बी नो मेटीरियलिस्टिक थिंग्स द डिलइट लाइट ऑफ द सन ब्राइट एवरी वन कोई किसी किस्म की भी तकसीम नहीं होगी इन लास्ट टू लाइन्स यू कैन सी ही होप्स टू सी ही होप टू सी सच अ डे वेन सन शाइन्स ब्राइट वेन सन शाइन्स ब्राइट ऑन ऑल द पीपुल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन and it will be very lovely sight now i am going to tell you the meanings of difficult words into english you have to note down on your book rich having a lot of rain poor lower beneath below sweet noise melodious comes out appears wondrous wonderful hope expect lovely charming टाइट सीन द स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो रही है इंशाल्लाह कल के वीडियो लेक्चर में हम पैराफ्रेजिंग कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस और फिगर ऑफ स्पीच डिस्कस करेंगे तब तक के लिए हाफिज़